घर से दुकान खोलने जा रहे युवक को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के बाबूगंज बाजार का है। सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास घर से कुछ ही दूरी पर चाय की दुकान खोलने जा रहा था युवक। गुस्साए कस्बा वासियों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध। बाबूगंज कस्बा निवासी लाल बाबू उम्र 40 वर्ष को मारी गई गोली। जिला अस्पताल में भर्ती है घायल लाल बाबू। सीओ कोतवाल समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। जबरन दुकान बंद करा रहे लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आज थाना लालगंज के डी मेदी ग्राम में सलीम नामक एक व्यक्ति जो अपनी चाय की दुकान को सुबह खोलने जा रहे थे, उनको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी है। गोली उनके हाथ में लगी है और उनको उपचार के लिए भेजा गया है। इस संबंध में थाना लालगंज पे मुकदमा पंजीकृत करके और उनका उपचार करा के आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं